हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल के साथ ये मारपीट का मामला है जिससे जुड़ी अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। केजरीवाल का पीए विभव कुमार गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से उनको गिरफ्तार किया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि मारपीट के मामले में विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव से पूछताछ की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का ये मामला है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, लगातार इस मामले से जुड़े वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और ये बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल का पीए विभव कुमार गिरफ्तार हो चुका है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में लगातार पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मारपीट के मामले को लेकर लगातार सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है इस मामले में लगातार। और केजरीवाल का पीए विभव कुमार इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। साथ ही आपको बता दें कि सिविल लाइंस थाने में उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लगातार स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये अपडेट सामने आ रहा है। सिविल लाइंस थाने में विभव से इस वक्त पूछताछ जारी है, ये मारपीट का मामला है जिसको लेकर बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही थी, और अब दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से उनको गिरफ्तार किया है, ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लगातार इस मारपीट के मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, और लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर एक्शन में भी नजर आ रही थी। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है और सीएम आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट का ये मामला है जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने अपनी आवाज उठाई, और अब दिल्ली में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। साथ ही सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बड़े बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर सामने आ रही है, और चुनाव के बीच में ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं, और इसी बीच अब उनके पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लगातार इस मामले के सामने आने के बाद वीडियो सामने आ गए थे, और अब दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है और केजरीवाल के पीए को विभव कुमार को सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया है।